हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीआर एकेडमिक। हम कर रहे थे एक्सरसाइज 5.2, जिसका क्वेश्चन नंबर थर्ड चल रहा था। क्वेश्चन नंबर थर्ड के हमने तीन पार्ट करवा दिए थे। आज की इस वीडियो में हम फोर्थ पार्ट करवाने वाले हैं, जो कि है डी। वो है fx इज इक्वल टू मोडुलस एक्स माइनस फाइव। देखिए, क्वेश्चन हमारा ये था कि आपको इसमें संतता की जाँच करनी है। इसके लिए आपको इसमें कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है, कि आपको इस पॉइंट पर चेक करना है, ठीक है। तो हम जो पॉइंट है वो हम अपनी मर्जी से मान सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मान लिया है x बराबर a पर, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे कि a कोई अचर राशि है, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू a पर हम चेक करने वाले हैं। तो देखिए, f a, ये आएगा हमारे पास मॉडुलस a माइनस फाइव, ठीक है। देखिए, मॉडुलस का मतलब होता है कि जो अंदर जो मॉडुलस की वैल्यू जो होती है, यानी मॉडुलस के जो अंदर की वैल्यू होती है, वो प्लस में हो या माइनस में हो, वो जब मॉडुलस में होती है तो वो मॉडुलस हमको पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, मतलब मॉडुलस का कोई मतलब नहीं रहा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a माइनस फाइव, ठीक है। तो हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू आ गई है वो आ गई है a माइनस फाइव। अब हम निकालेंगे LHL, यानी कि बाया पक्ष। LHL ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव, मतलब जो x की वैल्यू है वो a में से थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे आ जाएगा fx। अब fx की वैल्यू रखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव, fx की वैल्यू रखेंगे मोडुलस x माइनस फाइव। देखिए, आगे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव। अब हम x की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस एच माइनस फाइव, और ये हमारे पास मॉडुलस। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव। यहाँ पे h क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो, यानी कि a माइनस फाइव, ठीक है। तो देखिए, जो a माइनस फाइव है वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे a माइनस फाइव, ठीक है। हमारे पास LHL आ चुका है a माइनस फाइव। अब RHL हम निकालेंगे, तो देखिए RHL आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx। ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव x माइनस फाइव। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव। देखिए, x की जगह पे हम रखेंगे वैल्यू a प्लस एच माइनस फाइव, और ये मॉडुलस। देखिए, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, यहाँ पे जब h जीरो रखेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस फाइव, ये मॉडुलस। तो ये हमारे पास हो जाएगा a माइनस फाइव, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हम देख सकते हैं जो फंक्शन की वैल्यू आई हमारे पास वो आई a माइनस फाइव, और जो बाया पक्ष था वो आया a माइनस फाइव, और दाया पक्ष भी हमारे पास आया a माइनस फाइव। मतलब तीनों की वैल्यू हमारे पास सेम आ चुकी है। इसका मतलब है, अतः दिया गया फलन x बराबर a पर संतत है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हो चुका है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, और ऐसे ही आगे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।